हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए मसाला पाव की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी नई नई रेसिपी आपको हर रोज़ देखने को मिलती रहे। सबसे पहले हम इसमें यूज होने वाले इन्ग्रीडियंट्स को तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए 2 मीडियम साइज़ के प्याज को छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेंगे। 1 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च को कट कर लेंगे। 1 डंठल हरी धनिया को वाश करके कट कर लेंगे। 4 से 5 लहसुन की कलियां 1 इंच अदरक का टुकड़ा को कूट कर पेस्ट बना लेंगे। 4 से 5 हरी मिर्च को कट कर लेंगे। 2 टमाटर को छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेंगे। मैंने 6 पीस पाव को लिया है, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से पाव को ले सकते हैं। पाव को फ्राई करने के लिए बटर ले लेंगे। पाव के अंदर फिलिंग के लिए चीज़ ले लेंगे। सबसे पहले गैस को ऑन करके उस पर एक कढ़ाई रख लेंगे। इसे आधे मिनट के लिए गर्म होने देंगे। उसके बाद 3 टेबल स्पून ऑयल को ऐड कर लेंगे। ऑयल गर्म हो जाए तो आप उसमें 1/2 टीस्पून खड़ा जीरा को ऐड कर लेंगे। उसे गोल्डन फ्राई होने दें। उसके बाद इसमें कटे हुए प्याज को ऐड कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से स्टायर कर लें। इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे। इसी के साथ में हरे मिर्च, टमाटर और शिमला मिर्च को ऐड करके अच्छी तरह से इसे स्टायर कर लेंगे। 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर ही इसे फ्राई करेंगे। बीच बीच में इसे स्टायर भी करते रहें ताकि ये नीचे से जलने ना पाए। तो ये देखिए, हमारी सब्जियां अच्छी तरह से भुनाकर तैयार हो गई है। तो अब चलते हैं मसाले को ऐड कर लेते हैं। 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करके स्टायर कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर 1 कप पानी को डाली हूँ ताकि जो मसाला है वो अच्छी तरह से पक जाए। अपने स्वाद के अनुसार नमक को ऐड कर लेंगे। 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर को ऐड कर लें। इसे मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक इसे पकने देंगे। तो ये देखिए, हमारा मसाला पाव जो है वो बनकर तैयार हो गया है। इसे किसी प्लेट में निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पर पाव ले ली हूँ। पाव के बीच में ऐसे करके चील लगा लेंगे और सभी पाव को ऐसे ही चील लगा कर रख लेंगे। तो पाव को आप सबसे पहले तवे पर थोड़ा सा बटर ऐड करके इसे ऐसे करके दोनों साइड से सेक लेंगे। ऐसे ही सभी पाव को बारी बारी करके सेक लेंगे। हमारा पाव सब सिका गया है। अब पाव के अंदर मसाले को ऐसे करके भरेंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा चीज़ को ऐड करेंगे ताकि इसका जो टेस्ट है वो और भी अच्छा लगने लग जाए। आप इसमें कोई भी चीज़ अपने पसंद का ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर चीज़ को डाल दी हूँ। अब इसे बंद कर लेंगे। ऐसे सेम प्रोसेस से सारे पाव को हम ऐसे स्टफ कर लेंगे। जब हम इसे तवे पर सेकेंगे ना तो ये चीज़ जो है ये मेल्ट हो जाएगा। अब चलते हैं इसे रोस्ट करने के प्रोसेस में। अब यहाँ पर तवे पर थोड़ा सा बटर को ऐड कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया पत्ता को ऐड कर लेंगे और पाव को ऐसे करके सेकेंगे। इसे चारों तरफ से उलट पलट कर सेक लेंगे। गैस का फ्लेम जो है वो लो ही रखें ताकि जो चीज़ है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। ऐसे ही एक एक करके सभी पाव को ऐसे सेक लेंगे। तो ये देखिए, हमारा पाव अच्छी तरह से सिका गया है। अब चलते हैं इसे गर्मा गर्म सर्व करने के प्रोसेस में। तो ये देखिए, हमारा चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। तो ये देखिए कितना टिमटिम दिख रहा है ये हमारा मसाला पाव। सुपर टेस्टी मसाला पाव बनकर तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें। अगर आप इसे टोमेटो केचप के साथ खाएंगे तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। मुझे तो ये मसाला पाव टोमेटो केचप के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके ऊपर से बारीक कटा हुआ प्याज को ऐड कर देंगे। ये हमारी मुंबई स्ट्रीट मसाला पाव जो है वो बनकर तैयार हो गया है। आपको कैसी लगी आज की मेरी ये रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आपके लिए मैं इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज बनाकर लाती हूँ। इसको तैयार करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा हौसला और बढ़े और मैं आपके लिए ऐसे ही हर रोज़ एक एक नई रेसिपी बनाकर आप लोगों के बीच में लाती रहूं। जय हिंद, जय भारत।